उन्होंने बता दिया कि भाई सभी डिस्प्ले में, ये मॉडल में सभी डिस्प्ले में प्रॉब्लम है। वो क्या बोले कि भाई लोग, मैं आपको कुछ खबरें बता रहा हूँ कि वो लोग बोले कि डिस्प्ले चलते चलते बंद हो जाएगा, ये डायरेक्टली जैसे जैसे अपडेट आएगा ना वैसे डायरेक्टली डेड हो जाएगा, उसके बाद में आपको नया वाला डिस्प्ले लगा के दिया जाएगा। मैं आपको कुछ खबरें बता रहा हूँ कि वो लोग बोले कि डिस्प्ले चलते चलते बंद हो जाएगा, ये डायरेक्टली जैसे जैसे अपडेट आएगा ना वैसे डायरेक्टली डेड हो जाएगा, उसके बाद में आपको नया वाला डिस्प्ले लगा के दिया जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, हम लोग है ना आज दो तीन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। KTM वालों ने पूरा शॉक करके रख दिया है। यूक 200 में अभी एक बड़ा अपडेट आया है डिस्प्ले के ऊपर। यार भाई, क्या गजब का डिस्प्ले दिया है आपको। मतलब जो बाइक लवर्स है उनको पता रहेगा कि क्या गजब का डिस्प्ले दिया है भाई लोग। पहले एकदम छोटा वाला आता था, अभी एकदम काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़िया वाला मीटर आया है। और गाइस ये देखो, मेरी यहाँ पे ड्यूक 250 जेन 3 खड़ी है यहाँ पे। पहले इसका मैंने ऑन ही रख दिया, चालू ही रख दिया जब आया था तभी। थोड़ी सी बाइक गंदी है, ध्यान मत देना गाइस। फिर मैं आया, अभी बारिश गिरी है, थोड़ा सा भगाते आया बाइक, थोड़ी गंदी हुई है, इसके ऊपर ध्यान मत देना गाइस। ये मेरी ड्यूक 250 जनरेशन 3 है, सेकेंड लॉट का बाइक था, 4-5 महीना हो गया इसको लेके। तो गाइस देखो, इसमें भी अपडेट दिया है अभी वाले मॉडल में। तो गाइस मैं पूरा शॉक हो गया भाई लोग। यार ये पूरा क्या यार इनको बोलूँ, अभी KTM वालों को कुछ बोल नहीं सकते यार। यार अभी मैं बोलने के लिए कुछ है भी नहीं है। तो गाइस देखो, जब भी मैंने ख़रीदा था इसके ऊपर ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले दिया था, अभी वाला जो मॉडल आता है में अपडेट कर दिया ना, इसके ड्यूक 250 में भी अपडेट कर दिया। ड्यूक 200 और ड्यूक 250 जन 3 ये दोनों भी 390 वाला डिस्प्ले डाल दिया, और ये 250 में भी अपडेट कर दिया। देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये आगे वाले DRL है ना, ये वाले ये पूरे चेंज कर दिए यार भाई लोग। 390 वाले पूरे डग लगा दिए यार, जब भी ये अपडेट देना नहीं चाहिए था। तो ये आगे वाले DRL है ना पूरे चेंज कर दिए 390 वाले, और इसका डिस्प्ले भी 390 वाला लगा दिया है। इसके ऊपर इतना यार हमारे साथ अत्याचार हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। भाई लोग यार बहुत मतलब गंदी चीज अपडेट दिया है यार, बहुत बड़ा धमाका दिया है, शॉक कर दिया है KTM वालों ने भाई लोग। यार मैं सोच भी नहीं सकता अभी यार। देखो मैं डिस्प्ले के ऊपर, ये बाइक खास करके इसका डिस्प्ले और इसकी पावर देख के खरीदा, और इसका एग्रेसिव लुक है ना यार भाई, इसको देख के मैंने बाइक खरीदा था। और देखो ये पूरा चीज़ है ना KTM वालों ने पूरा गंदा करके रख दिया भाई। अभी 390 का मार्केट पूरा डाउन हो जाएगा, अभी 250 आगे आएगी, पहले से है ही। तो गाइज मैं अभी टॉपिक पे बात करता हूँ। देखो ये तो अपडेट आया ही है, तो देखो मेरा क्या प्रॉब्लम है पता है कि KTM वालों ने ना इसके ऊपर ऑप्शन सॉल्यूशन भी निकाला है। मतलब ये डिस्प्ले है ना, सभी डिस्प्ले में प्रॉब्लम है, जो भी फर्स्ट लॉट सेकंड लॉट जो भी जितने भी लॉट्स आए ना उसमें, ये जो नेगेटिव डिस्प्ले है ना इसका ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले ड्यूक 250 जेन 3 में, तो उसका सॉल्यूशन भी है। मैं आपको बता देता हूँ, अभी सभी में प्रॉब्लम हुआ रहेगा तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो तो गाइस देखो, मेरे डिस्प्ले में अभी मैं की ऑन कर देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरी बाइक है यहाँ पे, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखो ये वाला है ना, यहाँ पे रेडी टू रेस लिख के आता है ना यहाँ पे। देखो मैं दिखाता हूँ मैं आपको क्या दिक्कत आती थी। पहले ना ये वाला डार्क था होता था पार्ट, मतलब जब भी मैंने ख़रीदा था फर्स्ट सर्विस जब किया था तब ये डार्क वाला था, और ये जा नहीं रहा था। इसके अभी मैं न्यूट्रल कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट जा नहीं रहता। अभी गया ना तो पूरा लाइट हो गया, ये आपकी दिख रहा होगा, पहले मैंने वीडियो बना था उसमें डार्क दिखता था, पूरा के पूरा क्लियर दिखता था, और इसमें ना पूरा मतलब अभी यहाँ पे ना पूरा लाइट दिख रहा है। ये किस कारण हुआ पता है, मेरा सेकंड सर्विस हुआ ना गाइस तभी से ये प्रॉब्लम आने लगा, और अपडेट सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना तब भी ये प्रॉब्लम आ गया। क्या है पता है, मैंने सर्विस सेंटर में कॉल करके पूछ लिया गाइस, उन्होंने बता दिया कि भाई सभी डिस्प्ले में, ये मॉडल में सभी डिस्प्ले में प्रॉब्लम है। वो क्या बोले कि भाई लोग, मैं आपको कुछ खबरें बता रहा हूँ कि वो लोग बोले कि डिस्प्ले चलते चलते बंद हो जाएगा, ये डायरेक्टली जैसे जैसे अपडेट आएगा ना वैसे डायरेक्टली डेड हो जाएगा, उसके बाद में आपको नया वाला डिस्प्ले लगा के दिया जाएगा। तो गाइज मैं इतना खुश हो गया कि भाई अभी मुझे कन्फर्म पता नहीं है भाई गाइज कि इसमें डिस्प्ले कलर वाला आएगा या फिर ब्लैक एंड वाइट वाला आ जाएगा, ये मुझे पता नहीं है, ये मुझे पता करना है। तो मैंने सर्विस सेंटर में कॉल कर दिया था,
तभी ये जब से मेरा ये मुझे लगा कि देखो जब भी मैंने सर्विस सेंटर से बाहर निकला ना तभी मुझे ध्यान नहीं दिया मैंने, नहीं तो मैं तभी का तभी सॉल्व कर लेता था प्रॉब्लम। अभी मतलब जब भी मैं बाहर आया मेरे वहाँ से काफ़ी दूर निकल के आया, फिर उसके बाद में पता चला मुझे कि भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये क्या है पता है, ये प्रॉब्लम तो सभी डिस्प्ले में है, अलग अलग डिस्प्ले में अलग अलग प्रॉब्लम आता है। और मेरे डिस्प्ले में देखो मैं मतलब मैंने एक वीडियो में भी डाला था, मेरे डिस्प्ले में ये वाला लाइट हो गया पूरा, और बीच में है ना पूरा डिस्प्ले जाता है, पूरा कुछ भी नहीं दिखता है, ये वाला पार्ट रह जाता है। मैंने ये भी उसको सर्विस सेंटर में बता दिया, बोला तू टेंशन मत ले भाई, तेरा डिस्प्ले में हम लोग चेंज करके देंगे। ये मेरे लिए खुशी की बात है। अभी आप लोग के डिस्प्ले में अगर प्रॉब्लम आता रहेगा तो आप लोग भी सर्विस सेंटर में कॉल करके बता देना गाइस, आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो प्रॉब्लम हुआ है ना डिस्प्ले का, तो मैंने क्या किया पता है, मैंने सर्विस सेंटर में कॉल किया और पूछ लिया कि भाई लोग डिस्प्ले का प्राइस कितना है। शॉक हो गया भाई, 20,000 कुछ लगभग 20,000 के आसपास आता है उसका डिस्प्ले। ये क्या है पता है, डिस्प्ले तो हम लोग डाल नहीं सकते अलग से, क्योंकि इतना महंगा है तो हम लोग डिस्प्ले डाल नहीं सकते। तो मैंने पूछा कि देखो भाई, मैंने सोचा, मैंने बोला कि मैं डिस्प्ले नहीं डालूंगा, मैं यही रख दूंगा, पर इसमें कुछ अगर प्रॉब्लम आता है तो मैं कॉल करके पूछ लूंगा। तो वैसे मेरा प्रॉब्लम ये चालू हो गया डिस्प्ले का, जो मैंने बताया कि लाइट वाला पार्ट मेरा दिख रहा है, मतलब पहले डार्क था फिर उसके बाद में लाइट हो गया। तो मैंने उसको कॉल करके बता दिया सर्विस सेंटर में, मैंने अलीबाग सर्विस सेंटर में कॉल किया, मैंने बता देता हूँ डायरेक्टली आपको, नहीं तो आप बोलोगे कौन से सर्विस सेंटर में कॉल किया था। अलीबाग सर्विस सेंटर में कॉल किया था, फिर वहाँ पे पूछ लिया कि भाई मेरा डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो बोला कि भाई देख तेरा सभी डिस्प्ले में प्रॉब्लम है, और मेरे ख्याल से कंपनी सभी डिस्प्ले में सभी गाड़ी में डिस्प्ले मतलब चेंज करके देगी, मेरे को ऐसा लग रहा है कलर वाला डिस्प्ले आ जाएगा, क्योंकि ये डिस्प्ले बीच में ही डेट हो जाएगा। क्योंकि देखो थर्ड वाला, मेरे को लगता है थर्ड वाला जब भी सॉफ्टवेयर अपडेट होगा ना सर्विस के बाद में, तभी ये कांड हो जाएगा, मेरे को पता है ये। डेफिनेटली मैं बोल देता हूँ कि ये प्रॉब्लम हो जाएगा, तो बोला मुझे चला चला के ये प्रॉब्लम आएगा, ये डिस्प्ले पूरा बंद हो जाएगा, उसके बाद में आपको नया इंस्टॉल करके दिया जाएगा। बट एक दिक्कत है कि वो कलर डिस्प्ले आएगा या फिर ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले आएगा, ये मुझे पता नहीं है गाइस। तो ये मुझे पता करना है कि कलर वाला डिस्प्ले आएगा या फिर ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले आएगा। आई होप कि कंपनी है ना कलर वाला ही डिस्प्ले दे दे, यार बहुत मज़ा आएगा। इससे कोई कंपैरिजन करने वाला बाइक अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है, मतलब बनाया ही नहीं है भाई। इसका क्या है भाई, इसकी तेवर ही अलग है बाइक के, यार भाई पूरा सुपर ड्यूक जैसा लुक दिया है ना, तो काफ़ी जन को ये पसंद नहीं है भाई। मेरे को वो ओल्ड वाला ड्यूक भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ड्यूक 200 है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसमें ना का पावर है ना कुछ भी है। यार देखो इसमें ना काफ़ी बढ़िया दमदार पावर है और अच्छा खासा लुक भी है। और ये देखो अभी इसका कलर है ना, ये बहुत काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में कलर चल रहा है, ये काफ़ी लोगों को ये पसंद आता है। बाकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है भाई, ये दो अपडेट दिए ना यार, बहुत शॉक करके दिया, खतरनाक वाले यार। बोल नहीं सकते हम लोग कि कंपनी के बीच में ऐसा अपडेट डाल देंगे, क्योंकि देखो अभी अच्छा खासा मार्केट बना रही थी ये वाली Duke 250 Gen 3, तो ये बीच में 200 यार या फिर ये नल्लम चिल्लम छल्ला ये अपडेट देने की ज़रूरत ही नहीं थी ना। क्या मार्केट बनाया था Duke 250 ने, और अभी तो भाई तहलका मचा देगी, क्योंकि ये दोनों अपडेट इतने काफ़ी बढ़िया अपडेट दिए ना, तो ये बाइक अभी आने वाले टाइम में बहुत तहलका मचा देगी, ये मैं लिख के देता हूँ और कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि अभी बाइक बहुत मार्केट में ये चलेगी। एवरेज तो थोड़ा बहुत कम है, ठीक है 30 का एवरेज माइलेज देती है 32, अगर सिटी में चलाओगे तो ठीक है, अभी हाईवे टू हाईवे चलाओगे तो और भी अच्छा खासा माइलेज देगी, ये तो पता है मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इसको 5-6 महीने से चला रहा हूँ, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो गाइज ये अपडेट देने नहीं चाहिए थे कंपनी ने, दिए कोई बात नहीं, हम लोग चला लेंगे। और डिस्प्ले हम लोग, मैं ज़्यादा खुश हूँ कि आगे जाके अपना डिस्प्ले अगर कुछ हो जाता है तो वो चेंज करके देने वाले, तो मैं ज़्यादा टेंशन में नहीं हूँ, ठीक है ना। कोई अपडेट अगर आते हैं तो बाइक में अपडेट देते हैं, पर इतना बड़ा अपडेट देता है मुझे पता नहीं था। तो अपडेट के मामले में ना कंपनी ने बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब पूरा हिला के रख दिया सब पब्लिक को, मैं भी शॉक हो गया हूँ, क्योंकि यार अब होगा ही ना, क्योंकि देखो इतना बड़ा अपडेट आता है बाइक में, अगर हमारे वो बाइक में आता है और ये हमारे बाइक में नहीं है, Duke 200 में आता है कलर वाला डिस्प्ले, तो हाँ हमारे इसमें डिस्प्ले नहीं है, तो भाई ये बात बहुत बुरी लगती है, तो मुझे भी बुरी लगी और सबको बुरी लगी। तो गाइज ये थी, और डिस्प्ले के बाद में बता देता हूँ, अगर आपके भी डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपको डायरेक्ट सर्विस सेंटर में कॉल करना चाहिए।
उसके बाद में वो कुछ सोल्यूशन देंगे, उसके उनसे पूछ लेना कि अगर डिस्प्ले चेंज होता है तो उसको छेड़ाछेड़ी मत करना, फिर आपका नया वाला डिस्प्ले लग जाएगा। तो गाइस देखो, ये मैं आज की वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।